अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, अभी हम लोग कलर सईदा में पहुँचे हैं। कलर सईदा का प्लान हम दोनों भाइयों ने मिल के किया, तो कौन सी जगह है ये मेरे भाई हामून बताएंगे आपको। अच्छा, बेदी महल, बेदीदा महल भी कहते हैं जी हाँ। और हमारा ये प्लान बना कि जैसे कि अरशद भाई ने पूरे बलूचिस्तान को और पाकिस्तान के बड़े खूबसूरत खितों को एक्सप्लोर किया और आप तक पहुँचाया है, तो इन्होंने कहा कि मेरी अपनी जो अगर हम जिस जगह पे आए उसके हवाले से कहें जन्मभूमि कह लें, एग्जैक्टली अल्फाज हैं, अपने अल्फाज हैं हमारे, तो पोठोहार है तो पोठोहार को भी हम एक्सप्लोर करते हैं। तो आज हम दोनों भाई कलर सईदा में, और बड़ी दिलचस्प बात है कलर सईदा का जो नाम है कि ज़माने में यहाँ पर जब खालसा सिख आबादी में ज़्यादा थे तो वो चाहते थे कि जगह का नाम कलर खालसा रखा जाए जी, मगर जो सादात आबादी में क्योंकि कम थे, मगर रहे नाम सादात का कि आज भी जगह का नाम जो है वो कलर सईदा के नाम से मशहूर है। और जो बेदी महल है इसके बारे में अरशद भाई, हमारी जो रात को उस दिन डिस्कशन होती है, आप मुझे बता रहे थे कि पहले यहाँ पे एक सिख जो रहनुमा थे, मजहबी रहनुमा थे, मजहबी पेशवा थे, तो उनकी बैठक थी और यहाँ पर लोग आते थे, यहाँ लंगर होता था, यहाँ पर जिक्र अज़कार होता था उनका, यहाँ पर बाकायदा जो सिख मज़हब है उसकी तरवीज और तशहीर के लिए काम किया जाता था। ऐसी बात है, तो बड़ी मशहूर है, बड़ी गूंज है इसकी पोठवार में, तो हमने सोचा जाएँ हम इसको भी एक्सप्लोर करें। अरशद भाई फिर चलें जी, आए जी, फॉलो मी। ये है जी बेदी महल, और अभी चलते हैं अंदर, आपको तमाम एरिया का विजिट करवाते हैं और हामून भाई की मीठी मीठी बातें भी आपको सुनाते हैं। चलें जी मस्जिद अंदर। है तो बेदी महल, मगर देखें यहाँ पर मुस्लिम मार्केट है, कम मुझे ना छाप नजर आ रही है, खासकर मुगलों की। जारी बात है, मुगल रहा था, मुगल ने बहुत बूम देखा है और फिर मुगल से आगे इस इलाके में जी हाँ खालसा ने टेक ओवर कर लिया था जी हाँ, तो वो एक असर तो था, उसका असर था। तो था जो नजर आता है, खास कर ये देखें, अरे वाह ये देखिएगा, ये जितना भी काम हुआ है पत्थर, ये पत्थर पे हैं जी, देखें अगर आप गौर से, ये देखें ये सब पत्थर है, आप देखें जी ये पत्थर को तराशा गया कितनी खूबसूरती से, और जिस तरह हामून भाई ने कहा कि जो मुग़ल आर्किटेक्चर है उसकी छाप आपको दिखाई देगी, ऊपर अगर आप देखें तो वो देखें, हम अपनी लैंग्वेज में आलना कहते हैं जी इसको, है ना, आलना है। और इवन आप ये जैसे देख लें, झरोका देख लें, हाँ जी, इसमें मुग़ल आर्किटेक्ट और जो एक आर्किटेक्ट, मुग़ल आर्किटेक्ट या इस्लामिक आर्किटेक्ट की बात देखी जाए तो उसमें आपको एक बहुत खुला पन नज़र आएगा। एग्जैक्टली ऐसी बात है ना, हाँ जी, जबकि हम जो यहाँ के जो पहले जो यहाँ पर जो से पहले वाली सिविलाइजेशन उसमें देखते हैं उसमें आपको खुला आर्किटेक्ट नहीं मिलता, ऐसी बात है, मे बी वो छोटी जगह और तंग जगह बनाकर जगह को ज़्यादा बेटर यूज़ करना चाहते थे। अब अल्लाह, अरे ये देखिएगा ये एंट्रेंस पे उन्होंने, और ये तस्वीर किसकी है जी, ये ऐसे लगता है ना कि जैसे कोई सूरज है उसके दाएं बाएं किरणें हैं, या ऐसे जैसे हाँ अलग ऐसे, अभी हमें किसी अपने हिंदू या सिख दोस्त या भाई से पूछना पड़ेगा क्या चीज़ है ना, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम हिस्टोरियन भी नहीं है, हम आर्कियोलॉजिस्ट हैं, अपने तई कोशिश कर रहे हैं कि जितना बेहतर पेश कर सकें। अच्छा भाई जी जी समगर, और इसका वजन देखें जी आप, ओहो, और लोहा 200 साल पुराना, ये देखें, और इसी तरह दरवाजा, ये बहुत भारी दरवाजा है, अंदर चले, ये देखें बापू की बात, वाह क्या बात है, यकीन करेंगे सहर तारी हो गया हमारे ऊपर, बिल्कुल ठंडा सा यहाँ पे हमें फील हो रहा है, और इसको उर्दू में या बल्कि हिंदी में डेवड़ी कहते हैं और हमारी पटवारी में डेढ़ी डेढ़ी, ये जो ही आप एंटर होते हैं तो इतनी जगह होती है जितना ये कमरा है, ऑलमोस्ट एक मरले का होगा मेरा ख्याल नहीं है जितना भी है, लेकिन यह है कि इसको डेढ़ी कहते हैं। मजीद चलते हैं आगे, आ जाए, अच्छा ये दरवाजा पहले से खुला हुआ जी हाँ। अच्छा भाई ये इतनी भारी भरकम दरवाजे हैं, हाँ जी, और इसमें जी जी अच्छा इस्तेमाल क्या हुआ है, अच्छा ये देखिए ये लोहे की पट्टी लगी हुई, इसके ऊपर भी जंग नहीं है, तो देखें जंग नहीं है, बिल्कुल जंग नहीं है इसमें, सही बात है, क्या बात है जी, और ये जाली देखें ऊपर अभी तक कायम और दायम, अगर आप इसको देखें कितनी खूबसूरत जाली, आपका हाथ पहुँचता है तो फील करें, लो है यार, लो है ना, बिल्कुल, तो ये है जी बेदी महल,
और अभी चलते हैं आगे, जितने इसके कोने खुदरे हैं सारे आपको दिखाते हैं। कलर सईदा जिला रावलपिंडी की एक खूबसूरत तहसील जो के कुदरती हुस्न से मालामाल होने के साथ अपनी एक मुनफरिद तारीख रखती है। इस शहर की उम्र 1200 साल है, जिसकी सरहदों को दरियाए जेलम का पानी वोसा देकर गुजरता है। कयामे पाकिस्तान से पहले यहाँ सिखों की आबादी ज्यादा हुआ करती थी। आज भी उनकी इबादत गाहों और रिहायशी हवेलियों के आसार बासानी तलाश किए जा सकते हैं। उन्हीं इमारतों में से एक इमारत खेम सिंह बेदी का महल है, जो के कलर सईदा के ऐन वस्त में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। खेम सिंह बेदी मोरखा 21 फरवरी 1832 में हिमाचल प्रदेश के एक गांव में पैदा हुए। उनका दावा था कि वो गुरु नानक की 13वीं पीढ़ी से जाकर मिलते हैं। खेम सिंह बेदी का शुमार सिंह सभा तहरीक के बानियों में होता है। बेदी अपने जमाने के बहुत बड़े जागीरदार थे और उनकी विरासत में ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर के चार देहात आए। 1855 में खेम सिंह बेदी ने पंजाब में स्कूल बनाने की मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और माली मुआवनत भी की। जिला रावलपिंडी में जाती तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल कायम किए। उनकी मुआवनत से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लड़कियों और लड़कों के लिए तकरीबन 50 स्कूल कायम किए गए। उन्होंने तालीमी मकासद के लिए एक लाइब्रेरी भी अतिया की। 1883 में अपनी बेटी की शादी पर 3 लाख रुपए खैरात और मजहबी मकासद के लिए बतौर अतिया अदा किए। इस अतिया की आधी रकम से रावलपिंडी शहर में एक कॉलेज तामीर किया गया। 1857 की जंगे आजादी के दौरान खेम सिंह बेदी ने गोगीरा से उठने वाली तहरीक को दबाने के लिए अंग्रेजों का अमली तौर पर भरपूर साथ दिया। अंग्रेजों के बहुत ज्यादा खिदमत गुजार होने की वजह से बरतानवी राज में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे और काफी इनामों इकराम से नवाजा गया। उनकी ज्यादा जागीर साहिवाल में थी। खेम सिंह बेदी ने मोरखा 10 अप्रैल 1902 में उस दौर का मंटगुमरी और मौजूदा साहिवाल में वफात पाई। इस खूबसूरत महल को कौमी विरसा शुमार करके महफूज किया जाए तो खित्ते पोठोहार की इस तहसील में सयाहत को फरोग दिया जा सकता है। सयाहों की आमदोरफ्त से रोजगार के मौके भी पैदा होंगे और कलर सईदा का नाम मजीद रोशन होगा। जी अभी मैं आपको दिखाता हूँ खिड़की, 200 साल हो चुके हैं लेकिन ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में है। ये देखें, ये हम इसको मूव कर रहे हैं और ज़रा बराबर भी कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं दिखाई दी जिससे आप ये कहें कि इसका निज़ाम ख़राब है या ये इसी तरह जो है मूव नहीं कर रही। यहाँ से भाई इसकी वज़न ही कितनी है, जितना इसका वज़न है जी, सॉलिड लकड़ है
और पोटवार बेसिकली दीमक और इससे भी बड़ा मशहूर है जी। मगर ये ऐसी लकड़ है कि 200 साल से इन जगह पे कायम है, और ये जिसके पीछे ये जगह ये देखें जी, अब इसकी हालत ना गुफ्ता भी हो, डेफिनेटली अटेंशन चाहिए रेलेवेंट डिपार्टमेंट की। एग्जैक्टली ऐसी बात है। अगर आप इन शतीर को देखें तो ज़्यादातर ऐसे फील होता है कि बिल्कुल ठीक ठाक हालत में है, और इसकी दीवार के साथ आपको ये एक जगह दिखाई देगी। हम अपनी लैंग्वेज में यानी पोठोहारी लैंग्वेज में इसको आलना कहते हैं, आलना। और ये उस दौर में काम इस तरह आया करता था कि दिया भी जलाया जा सकता है, इधर कुछ चीज़ें भी रखी जा सकती हैं। और ये देखें, आपको यहाँ गुरमुखी में पंजाबी में लिखा हुआ कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे तो नहीं आती पंजाबी, नहीं तो आपको बताता कि ये क्या लिखा हुआ है। धड़कन धड़कन तेरा नाम लेती धड़कने, मेरी धड़कन में है अब तेरी धड़कने, तू ही मेरा हौसला तू ही डर, तू ही मेरी बंदगी का समर, तू ही रह गुजर। हनु भाई आप बड़े महल हैं जी इसमें, और जितनी भी ये दीवार है इतनी खूबसूरत, इसको आप देख रहे हैं, और इस दीवार में ये जो खिड़की है जी जी, अरे हाँ ये भी बड़ी खूबसूरत, देखिए देखें इसे, हमें अपने पुराने घरों की खिड़कियाँ याद है, इसे खोल के देखा जाए। खोले ना जी, वाह अरे वाह, क्या खूबसूरत रंगों का कॉम्बिनेशन है। हाँ हाँ, कोई कह सकता है ये 200 साल पहले का रंग है, और उतरा भी नहीं है। देखें ये देखें ना, अब ये चले तो जाले है ना, अब तो ये तो इधर बसेरा नहीं है ना, तो ऐसा ही होगा। मैं देखना चाह रहा था अगर इसको मैं हल्का सा उंगली से रब करूं तो चमक निकल रही है बाहर, थोड़ी सी इसकी प्रिजर्वेशन की जाए। रादर कंजर्वेशन। एग्जैक्टली। और ये पेंट पता नहीं कौन सा यूज हुआ है, ये जो खूबसूरत नक्श निगारी जिसे हम कहते हैं, इसमें ये जो ब्लू कलर का टेक्सचर, ये मैंने सेंट्रल एशिया में देखा है, और आप जब जाते हैं अपने मुल्तान में भी, हाँ जी, तो बहाउद्दीन ज़करिया के भी, तो ब्लू कलर वहाँ बड़ा डोमिनेट करता है, पूरा शहर है ये देखें। अच्छा अच्छा, 200 साल पहले सही, इसकी हिस्ट्री हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। और ये शहर में, हाँ ये देखें ना जी, गोल्डन टेम्पल, ये गोल्डन टेम्पल, अरे वाह, ये जो आप बड़े पत्ते देख रहे हैं आजकल मॉडर्न डिजाइनर्स के, अक्सर खवातीन के लिबास के इस तरह के, हाँ जी, ये आपको देखने को मिलते हैं, ऐसी बात है। अच्छा ये देखें, ये जैसे पहाड़ बने हुए हैं, ये बिल्कुल ये पहाड़ है, और बीच में आगे कोई आपको लेक भी नजर आ रही है। सुना सुना तेरे बिन मेरा ये जहां, सुने सुने मंजर बेरंग है आसमां, तू ही मेरा खुशनुमा सा नगर। ये हमारे खिते पोठोहार के जो उस दौर में कारीगर थे उनके ये काम है। अर्शद भाई की मुस्लिम कारीगरों की बनाई हुई है। एग्जैक्ट। अर्शद भाई ये देखें, ये नक्शोनिगार कार्व्ड हुए हुए हैं ना, और ये लग रहा है कि इसके ऊपर बाद में चूना मार दिया गया था। शक्ल तो उसकी वाजे है, मगर जिसमें कलर्स का इस्तेमाल था वो नीचे से फूट के बाहर भी आ रहा है, ये ऐसी बात है बिल्कुल। और ये ऊपर टाइल्स देखें, आई वंडर कि ये वुड है, क्या है ये शतीर के साथ, ये वुड है जनाब, वुड आप देखें तो। अर्शद भाई ये स्ट्रक्चर देखें ना। आपने देखा है कि इसमें ये मैरून कलर डोमिनेट कर, हाँ जी। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता खड़क सिंह वाला सीन तो यहाँ नहीं है, पर अभी आपको मैं एक सीन दिखाऊंगा। अच्छा, या वो नीचे इसको शूट कर लें तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। वाह। अच्छा अर्शद भाई, ये भारी भरकम दरवाजे जो 200 साल से कायम है, और कोई आवाज नहीं है, भारी भरकम है अर्शद भाई, ये कोई 20 साल पुराना दरवाजा है, जो 200 साल पुराने हैं उनसे आवाज नहीं आ रही। वहाँ खड़क सिंह नहीं खड़क रहा, वहाँ पे खड़क सिंह बिल्कुल खड़क नहीं खड़क रहा, यहाँ पे खड़क रहा। ये नई खिड़की है और इस पे खड़क सिंह खड़क रहा है। वाह मेरे रब्बा। अच्छा अर्शद भाई जी जी, जिस तरह इस तारीखी विरसे को आप महफूज कर रहे हैं ना जी जी, मैं उसकी जरूर तारीफ करता हूँ, और आपने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपके साथ शामिल हूँ जी। आप सीढ़ियाँ चढ़ कर आए, हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं जी। अच्छा जो खास बात मुझे बताएं इन सीढ़ियों की जी, ठीक है, हम देखते हैं कि जब नीचे सीढ़ियों की तरफ हम उतरते हैं जी जी, तो ये जो सीढ़ियाँ हैं लेफ्ट से जी, ये बड़ी बारीक हो जाती हैं। हाँ जी, इसके पीछे क्या राज हो सकता है? सर जो मुझे समझ आ रही है बात, चूंकि ये गोलाई में है इसलिए वो इस तरफ से एंगल बन गया ऐसा ना, ये देखें, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बिल्कुल कह लें कि
चंद इंच हैं ये, लेकिन जो जो आप इस तरफ आते हैं, ये मैं अपने पाँव की तरफ करता हूँ तो ये देखें, ये ऑलमोस्ट 2 फीट है ये। जी हमून भाई किधर चले गए? अर्शद भाई इधर। जी। अर्शद भाई थोड़ी देर पहले मैं आपसे सीढ़ियों का जिक्र कर रहा था। हाँ जी, अब देखें वो क्या कहते हैं, हम ज्योमेट्री कहते हैं, और ये ऊपर ये लकड़ी से जो काम हुआ है, जिस तरह की इन सीढ़ियों की शेप है, बिल्कुल ये आप देखें, शतीर जो आप कह रहे थे, जी बाले आ रहे हैं। ये तो खैर ना, मतलब जिस तरह सुनियो पौड़ियां, उसी तरीके की शेप बनानी है। अच्छा ये पहले क्लासरूम्स थे है ना जी? क्योंकि तुम ये बाद मुखालिफ से ना घबरा है, औकात ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये यहाँ पे मुख्तलिफ अशआर लिखे हुए हैं। आओ जी और तक जुड़ने हैं। चलो जी जुड़ो जी, ये तो मैच ही फॉलो करना है फिर। फॉलो करना नहीं पे पापा तो सर। अच्छा असा इसकी पटवारी जाटने हैं जी। सोड़ी गली वो छोड़ा रहा है, ये तो नहीं बंदा लग सकना। अच्छा इतना भी ना पौड़ियों पर ना एज ऊपर लकड़ लाई है। जी हाँ, वाह वाह जी वाह। एंड पर की ना है भाई। जी ये तो वो कहते ना कि एक सीढ़ी से हम चलते हैं तो दूसरी सीढ़ी आती है, उससे तीसरी सीढ़ी आती है। सोचे 150 साल 200 साल पहले हैं। जी इन्होंने यहाँ से क्या खूबसूरत नज़ारे होते होंगे जब ये सारा इलाका लश ग्रीन होगा और आबादी नहीं होगी। वाह अच्छा भाई ये देखें जी, जैसे आपका कैमरा बाहर आएगा। अच्छा वाह, हैरान हो जाऊंगा मैं। फ्लैट लैंडस्केप है, क्या बात है जी। वाकई जी जब आबादी नहीं थी तो यहाँ लश ग्रीन जो है वो खेत होंगे जिन्हें हम पठारी में बाड़ियाँ कहते हैं। यहाँ पे यकीनी तौर पे जो गार्ड है वो बैठते होंगे, क्या है? ऐसी बात है जी, बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा इसका मतलब 1.5 फुट ही चाहिए इसकी। यहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे जी, क्योंकि यहाँ से ये टूटी हुई है जगह, मरम्मत की जरूरत है इसको। तो अभी चलते हैं नीचे, आपको व्यू दिखाया जी कल सीधा का। अगर आप इस दीवार पे नज़र दौड़ाएं तो ये बिल्कुल सही हालत में है, लेकिन आप अगर इधर देखते हैं तो आपको ये एक झाड़ी और एक पौधा दिखाई देगा, और इसके ऊपर ना हम अपनी लैंग्वेज में इसको गरंडा कहते हैं। ये देखें ये हमारे खित्ते पोठोहार में कसरत से पाया जाता है, और जब भी कोई बिल्डिंग पुरानी हो जाए तो ऐसे पौधे जो हैं वो आपको जा बजा दिखाई देंगे दीवारों में। जैसे ये सामने देखें, सामने आपको ये वाला जो पौधा दिखाई दे रहा है ये पीपल है, और पीपल का जो है दरख्त वो बहुत घना होता है, और ये पीपल अब यहाँ दीवार में निकल आया। ठीक है जी, तो यहाँ से थोड़ा सा और नीचे जाएं, नीचे नज़र दौड़ाएं आप, ये आपको इस हवेली का, इस महल का जो मंज़र है वो दिखाई देगा, खूबसूरत रंगों निगार, दिलकश, एक्सलेंट और ब्यूटीफुल। और इसी तरह ये पीछे आबादी आपको जितनी दिखाई दे रही है, घर दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम के तमाम जो है ये कल्लर सईदा तहसील है जी। इसकी आबादी वन ऑफ द ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत तहसील है हमारी, और हमने काम शुरू कर दिया है जी इस तहसील को एक्सप्लोर करने का। पहले हम पोठोहार को करेंगे जी एक्सप्लोर, फिर उसके बाद निकलेंगे मैं और अमून भाई कहीं दूर, फिलहाल अपने एरिया में ही रहेंगे।
जी तो अब चलते हैं नीचे और आपको एक तंग सी सीढ़ी दिखाता हूँ। ये मेरा बेटा उमर, और यहाँ से नीचे उतरेंगे। हाँ, ये देखिए बहुत तंग सी सीढ़ी है ये, और इसकी शेप चेक करें आप। और यहाँ से हम नीचे उतरेंगे, बमुश्किल एक बंदा यहाँ से गुजर सकता है, दूसरा आएगा तो वो समझ लें कि एक गाड़ी को रुकना पड़ेगा साइड पे। और दीवार पे अगर नज़र दौड़ाएं तो जो हमारे खित्ते पोठोहार के जो कह लें कि पत्थर है ना, ये उनसे इसकी चुनाई की है। ये देखें, आपको जहाँ भी मैं लेके गया पोठोहार में आपको ये चीज़ मैंने दिखाई। अर्शद भाई, इसे ये लगता है कि यहाँ पर इस ज़माने में जिसमें ये घास उगा है, यकीनन ये फूल उगाते होंगे, फूल ऐसी बात क्यारियाँ होती होंगी। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। चलें जी, आप चलते हैं नीचे। और एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है दीवार के अंदर, ये देखें, ये बीम है लकड़ का उस दौर में। देखें कैसे इसको फिक्स किया गया इस जगह, इसी तरह ये सामने, और फिर यहाँ पे भी आपको लकड़ दिखाई दे रही है। निफासत देखें जी इस काम की, ये कील उस दौर की। एक ये भी है लकड़, जगह जगह आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। और ये दरवाज़ा, यहाँ से मज़ीद हम जाएंगे नीचे। आपने चेक करना है जी हमारी आवाज़ कैसे गूंजेगी। एक शेर सामने लिखा हुआ है, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली उनको आखिर बढ़ाई। तो हमारी आवाज़ जो है वो इस जगह बहुत ही खूबसूरती से गूंज रही है और हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जी, क्यों जी हमून साहब? देखें, बिल्कुल ओपन जगह है और यहाँ पर आवाज़ गूंज रही है इस कॉर्नर में खड़े होकर जी। हमारे कानों में तो हमें अपनी आवाज़ सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है, भला लग रहा है। वो कहते हैं रस घोल रहा है। हाँ हाँ हाँ। मशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली उन्हीं को आखिर बढ़ाई। क्या और ये जो मशक्क़त आप कर रहे हैं ना जी जी, इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ इसका जो फल है वो हम सबको मिलेगा इंशाल्लाह। हम अपनी हेरिटेज को बगैर किसी रिलीजियस हार्मनी है ये अर्शद भाई, exactly. हमारे सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जितने भी इस पाकिस्तान में बसने वाले हैं, उनकी कहीं ना कहीं पे हेरिटेज जरूर मौजूद है और उसी को जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना जी, ये क्रेडिट सारा आपको जाता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आमीन। लेकिन आपका ताउन भी तो जी हर जगह मेरे साथ होता है। हाँ, कोई आवाज नहीं जी। वाह, ये बिल्कुल खस्ता हाल बिल्डिंग है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपना ये तारीखी विरसा हम आपको दिखाएं। अल्लाह करे इसको प्रिजर्व कर लिया जाए ताकि हमारी आने वाली नस्लें। पापा संगल, दसो दसो। हाँ 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 हाँ। कुछ अपने जीजो करवा के जाते थे जी, राइड काम होती तो चल के। एग्जैक्टली कौन है? लंगी अचो पुत्र, लंगी अचो। खूबसूरत मर्द हजरात ने भी ज्वेलरी से वो हाँ जी है ना लदे हुए मोती हैं और मुख्तलिफ मोती हैं, मालाएं हैं, और देखें जैसे उन्होंने ऊपर वो हाथ में मोर फूल पकड़ा हुआ है, फूल है। हाँ, यहाँ से तो फूल ही है, गुलाब का फूल है पिंक है, और ये भी फूल है। और अगर आप इस तस्वीर पर आते हैं, आई वंडर कि हमें एक्सपर्ट्स मिल जाए जिसके ऊपर हमें डिटेल बता दें। तो अभी देख रहे हैं ये नाक में जो आप देख रहे हैं, नथनी कहते हैं ना जी जी जी, अब इसके अंदर भी ज्वेलरी नज़र आ रही है बिल्कुल। और ये जो अगर आप इसके ऊपर ये देख लें, जो उन्होंने कैप पहनी हुई है, इसके ऊपर पंख है जी हाँ। और कानों में ये ज्वेलरी है, कितनी लोडेड ज्वेलरी है, और गले पे भी, गले पे भी पूरा, यानी कि आप जेवर देख रहे हैं तो जिसे पता लगता है कि काफी खुशहाल डिपिक्शन है exactly, जो भी यहाँ पर पहन था। ऐसी बात, ये नाक की नथनी आप देख रहे हैं, इसके बारे में एक थ्योरी यहाँ पर ये भी कही जाती है कि औरत के नाक में नथनी, जैसे जानवर के नाक में हमने नथ डाली होती है, हम कहते हैं उसमें नथ पा देती है जी, तो इसके ऊपर भी एक थ्योरी है।
मगर अगर हम उसे हटके देखें अदरवाइज एज अ ज्वेलरी इट लुक्स प्रीटी गुड। और एक चीज देखें आप, पुरकशिश लगती है। पुरकशिश तो लगती है लेकिन देखिए जितनी भारी होगी ना औरत को परवाह नहीं होती, वो उठा लेती है नाक से। एज लॉन्ग एज शी इज लुकिंग प्रीटी, अगर खातून खूबसूरत लग रही हो तो फिर तो वो ये बदल उठा लेती है। मगर ये जो कलर्स है ना जी, ये इस अट्रैक्शन में ये देखें आप, ये ब्लू कलर है, ये गोल्डन कलर है, माशाल्लाह ये जो कलर्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन देखें जी। उस वक्त के जो मुसव्विर थे कैसा उनकी सोच थी और कैसा उन्होंने इसको यहाँ पे बनाया है। और नाज़रीन अगर आप इसको हाथ भी लगाएंगे तो आपका हाथ गंदा बिल्कुल भी नहीं होगा। हल्की सी अगर जो मिट्टी है तो वो है, लेकिन अदरवाइज कोई भी रंग, 200 साल पुरानी ये पेंटिंग है और कोई चीज़ आपको उखड़ेगी नहीं, आपको दिखाई नहीं देगी कि उखड़ रही है। इसी तरह ये फूल देख लें, ये देख लें, इसमें आप जब फील करें इसको तो ये आपको अलहदा कलर उभरा हुआ महसूस होता है। में लिखा हुआ है, जहाँ तक हमारा महदूद इल्म है हमें ये पता चला है कि राम भाटिया नाम की शख्सियत ने बाबा जी की याद के तौर पे इसको बनाया था। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपकी कुर्सी भी लिखी हुई है, जैसे ग्रेव है, समाधि बलते हैं जैसे हिंदी में ग्रेव बनी हुई है। वी आर क्लूलेस, फ्रेंकली वी आर क्लूलेस, और हम ये जानना चाहेंगे अगर यहाँ से वर्ल्ड टू वर्ल्ड जाएँ और कुछ इनक्रेव हुआ हुआ है तो वो उसके ऊपर ये गुरमुखी का ये जो रंग है उतर चुका हुआ है, अगर हमें गाइडेंस मिल जाए तो विल बी ऑब्लाइज, हम बहुत शुक्रगुजार होंगे। हमारे इल्म के मुताबिक राम भाटिया ने बाबा जी की याद में ये समाधि की जो शक्ल है ये बनवाई थी उन्होंने यहाँ। जी नाज़रीन किराम, तो ये था जी आज का हमारा विजिट। बहुत अच्छा दिन गुजरा हामून भाई के साथ, और मैं बाद में पहुँचा, ये पहले पहुँचे। इन्होंने आके पूरा पहले अरेंजमेंट किया कि कहाँ से हमने काम शुरू करना है और कहाँ पर एंड करना है। तो हामून भाई कैसा रहा जी आज का दौरा? देखें तशनगी है अभी तक, है ना, यकीन माने जी चाहता है कि क्योंकि एक्सपर्ट नहीं हम, कोई एक्सपर्ट हमारे साथ हो जो जहाँ पर जितनी भी तस्वीर है एक एक तस्वीर को वो एक्सप्लेन करें। ऐसी बात, और इन रंगों में देखकर तो हम खो रहे हैं उस जो मुसव्विर शहर में ना, इस शहर में हम मुब्तला हो चुके हुए हैं। और एक एक तस्वीर अब देखते हैं और आप सोचते हैं कि शैल वी रैप इट अप और नॉट, हम इसे यहाँ ख़त्म करें या ना करें। बिल्कुल, मुझे तो ऐसे लगता है जो भी तस्वीर हमारे सामने आती है मैं समझता हूँ कि शुरुआत अभी हो रही है, यही हो रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो बड़ा खूबसूरत रहा अर्शद भाई आपके साथ, और आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको कंपनी दूँ, और बड़ा अच्छा लगा। और आज अब बताऊँ ख़त्म करने से पहले मेरे साथ मेरा भतीजा भी आया हुआ है। अच्छा, हाँ, और हम ख़त्म करने से पहले उसके भी एक तासरा देना चाहेंगे। वो जो मेरा भतीजा है उसके पास बहुत एक्सपोजर है। अच्छा, उसने ताजमहल को भी अपनी आंखों से देखा होगा। माशाल्लाह, आए मेरे बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आप हमारा आपको अपना नाम भी बताएगा, अपनी क्लास का भी बताएगा और ये बताएंगे ने कैसा टीचर बना। जी बेटा जी, मैं हमाद हूँ और मेरी ग्रेड 8 में मैं पढ़ता हूँ, और ये एक्सपोजर मुझे कभी भी नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिला। बेटा आपने तो सरहद के उस पार भी एक्सपोजर किया है, तारीखी विरासत देखा है, और इतना अनोखा आपको वहाँ पर भी नजर नहीं आया है। Yes. ये आर्ट आपको कैसा लगा? इट्स वेरी यूनिक, इट्स वेरी यूनिक, बात ही खत्म कर दी बेटा आपने, क्लोज कर दिया। तो नाज़रीन इकराम, अभी हम आपसे इजाजत चाहेंगे, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे जल्द ही मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।